नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित बालू अड्डे की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में दूषित पानी पी लेने के कारण दो बच्चों की मौत हो गई थी, तो वहीं कई लोग अब भी दूषित पानी के कारण डायरिया से ग्रसित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार मरीजों में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और इन सब के बावजूद प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुल पाई है। आपको बता दें, दूषित पानी की समस्या से बालू अड्डा के निवासी अभी भी पार नहीं पा रहे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नगर निगम और जलकल विभाग द्वारा जो पानी के टैंकर लगाए गए हैं उसमें भी पीने लायक पानी नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया है कि दो बच्चों की मौत के बाद भी नगर निगम और जलकल विभाग नहीं चेता है। मोहल्ले में जो सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन का काम हो रहा है, उसमें अधिकारी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। इलाज तो बेटर हुआ है हमारा, जो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन कारण से बीमार थे आप? हम यहाँ पे पानी का इशू था जिस वजह से बीमार हुए हैं। दूषित पानी जी। अच्छा, उसी की आपका सिविल में इलाज हुआ है, इससे पहले यहाँ पे पीएचसी बनाई गई थी, क्या वो पीएचसी इस मामले से पहले एक्टिव थी? नहीं सर, मुझे नहीं मिली। अच्छा। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मुझे सीधा खुद ही जाना पड़ा सिविल हॉस्पिटल। मतलब यहाँ से आपको प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिली। मैंने यहाँ पे डीडी करके कोई वो होते हैं, उनको मैंने कॉल किया था, जो पेपर में नंबर दिया गया था, तो उन्होंने कहा आप खुद ही जाइए हॉस्पिटल, वहाँ पे चेक कराइए, वहीं पे इलाज मिलेगा। तो मैं खुद गया था अकेले। क्या लगा है इसके, ये पीने के लायक पानी नहीं है? और क्योंकि नगर निगम बार बार कह रहा है कि हमने इसकी जांच कराई है, पानी पीने लायक है, फिर भी ऐसा क्यों आप लोग? भाई, अगर नगर निगम कह रही है कि मैं पानी साफ है, हम चाहते हैं सभी अधिकारी उसको पानी पी लें। अगर अधिकारी पानी पी सकते हैं पियेंगे, वही पानी हम लोग पियेंगे। अच्छा, क्या समस्या है इसमें? इसमें वो थोड़ी सी बहुत जो ब्लीचिंग है ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि जब कड़वा होगा तो पानी कैसे पिया जा सकता है। काम करा रहे हैं ठेकेदार, टूटी हुई पाइप मोहल्ले में पीने वाले पानी के लिए लगा रहे हैं, जिससे दूषित पानी की समस्या दूर नहीं होगी। अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, फिर भी पाइपें नहीं बदली जा रही हैं। बालू अड्डे का जो पेयजल की समस्या है, उसमें लगातार हम बालू अड्डे के अपने नागरिकों से संपर्क में हैं। हम वहाँ दो बार निरीक्षण कर चुके हैं, अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया, अस्पताल भी मैं जा चुका हूँ। अब कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बराबर हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन दूषित पेयजल कैसे पहुंचा, इसकी हम जांच करा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।